आई मेक वन स्ट्रक्चर फॉर यू सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. प्लीज राइट इट, राइट दिस स्ट्रक्चर इन योर CW कॉपी. ओके सो कारक. नाउ सी द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कारक्स आर देयर. ओके फर्स्ट वन कर्ती कारक. व्हाट कर्ती कारक. कर्ती मीन्स यू नो दैट इज सब्जेक्ट, दैट मीन्स कर्ता. दोज हु आर डूइंग द वर्क दैट इज कॉल्ड कर्ती कारक. ओके सो कर्ती कारक है ऑलवेज प्रथमा विभक्ति. रिमेंबर दिस थिंग्स. कर्ती कारक है ऑलवेज प्रथमा विभक्ति. नाउ नेक्स्ट वन कर्म. दैट मीन्स टू हुम, टू व्हाट, दोज थिंग्स. सो कर्म, कर्म कारक है ऑलवेज द्वितीय विभक्ति. ओके नेक्स्ट करण. करण कारक है ऑलवेज तृतीय विभक्ति. मीनिंग कमिंग विथ, विथ. ओके विथ मीनिंग ऑलवेज कमिंग करण कारक. इन विथ मीनिंग राइट करण कारक. करण कारक है ऑलवेज तृतीय विभक्ति. नाउ संप्रदान. यू नो संप्रदान मीन्स दान ओनली, दैट मीन्स गिविंग. ओके और गिफ्ट लाइक दिस. जच्छति, ददाति, दोज थिंग्स संप्रदान कारक. संप्रदान कारक है ऑलवेज चतुर्थी विभक्ति. नाउ अपदान कारक. अपदान कारक मीन्स माइनस और समथिंग लेस फ्रॉम समथिंग. ओके दैट मीन्स माइनस. सो अपदान कारक है ऑलवेज पंचमी विभक्ति. नाउ संबंध पद. दिस इज नॉट द कारक बट वी आर लर्निंग दिस वन इन कारक प्लेस ओनली, इन कारक चैप्टर ओनली. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन ऑल्सो हेयर ओनली. ओके बट दिस इज एक्चुअली पद, नॉट द कारक. दिस इज संबंध पद. संबंध मीन्स रिलेटेड लाइक राम्स पेन, माई बुक, मदर सन. ओके फ्लावर स्मेल. सो रिलेटेड समथिंग इज देयर. सो संबंध इट इज शोइंग. सो संबंध पदे ऑलवेज षष्ठी विभक्ति. ओके नाउ सी द लास्ट वन अधिकरण. यू नो दैट इन, एट, ऑन, प्लेस, सिचुएशन, दोज थिंग्स आर अधिकरण कारक. एम आई राइट. सो अधिकरण कारक है ऑलवेज सप्तमी विभक्ति. सो लर्न लाइक दिस. कर्ती कारक है प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक है द्वितीय विभक्ति, करण कारक है तृतीय विभक्ति, संप्रदान है चतुर्थी, अपदान कारक है पंचमी विभक्ति, संबंध पदे षष्ठी, अधिकरण कारक है सप्तमी. सो इफ यू मेमोराइज दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, नेवर यू विल फॉरगेट अबाउट व्हिच कारक है व्हिच विभक्ति. ओके सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके प्रथमा टू सप्तमी विभक्ति यू हैव टू यूज हुई हुई कारक है हुई हुई विभक्ति. ओके डेफिनेटली मोर रूल्स आर देयर बट ओनली दिस मच रूल्स ओनली इनफ फॉर यू बिकॉज दिस इज थर्ड लैंग्वेज एंड यू आर नाउ जस्ट लर्निंग अबाउट द कारक. दैट्स वाई. ओके नाउ आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर एग्जाम्पल. इन दैट एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन अबाउट कर्ती कारक एंड कर्म कारक. ओके नाउ सी इन एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम कारक. ओके कारक विभक्ति निर्णय. इन बेंगोली ऑल्सो इट इज कमिंग लाइक दिस. एम आई राइट. इन संस्कृत ऑल्सो इट इज सेम. कारक विभक्ति निर्णय. सो हाउ टूडे आई विल टीच यू ओनली कर्ती कारक एंड कर्म कारक. ओके कर्ती कारक एंड कर्म कारक. If you learn the rules, then everything is easy. Which one karti karak? Again, I am telling subject. Subject called karti karak. That means name. Subject means name. Sometimes it is pronoun because pronoun we are using instead of noun. That's why name, pronoun, both can be subject. Actually, this is karta. That means those who are doing the work. Je kachta korche. Sentence je kachti korta. Je kachti korche. So, karta also subject. And when we are asking to that subject, then what it is coming? Who or what? Who is, by who or what, if we ask the question, then this answer is coming. Am I right? रामः गच्छति. सो हु इज द कर्ता? राम. एम आई राइट. सो हु इज गोइंग?
Definitely answer is coming Ram. That time it is Kartikarak. If Patram Patati, what is falling down? So we are asking by what? Am I right? Then we are getting the answer Patram. So who and what we are using for asking the question. That time which answer is coming? That one called subject. Kartikarak. Understand? সো হু এবং হোয়াট দিয়ে আমরা যখন প্রশ্ন করব উত্তর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট দ্যাট ওয়ান কল কর্তৃকারক দ্যাট মিন্স কর্তা কর্তৃকারক ওকে নাও সি দ্য রুলস হাউ ইউ উইল রাইট ইন এক্সাম আই উইল গিভ ওয়ান সেন্টেন্স ডেফিনেটলি আই উইল আন্ডারলাইন ওয়ান ওয়ার্ড অফ দিস সেন্টেন্স দ্যাট আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট হিয়ার বাই গিভিং আন্ডারলাইন অনলি ইউ হ্যাভ টু রাইট And give this comma sign, okay? Please start and complete like this. And give, please underline again and again I am telling, okay? That underline word you have to write here. Then write, Pade Karti Karake Prathama Vibhakti. Das Pade Karti Karake Prathama Vibhakti. This is called rules. Now I am giving example. How I will give in example? Like I am giving question, Ohom Khadami. So, which one I underlined? In Ahom. Ahom Pade, I am underlined. So, this one, as it is you write here, please follow the rules. Right here, okay? Please give comma. As same as like me, I forget to give this one. Okay? Underline. So, Ahom Pade Kartikarake Prathama Vibhakti. See? The rules. Das Pade Kartikarake Prathama Vibhakti. Only underline word you will write, then write. অহম পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি নাও নেক্সট ওয়ান সহ চলতি সো দিস ওয়ান হু ইজ ওয়াকিং সহ দ্যাট মিন্স হি সো দিস ওয়ান রাইট হিয়ার ইনভার্টেড কমা সহ পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ওকে নেক্সট ওয়ান রমা নৃত্যতি রমা ইজ ডান্সিং হু ইজ ডান্সিং রমা সো রমা ইন ইনভার্টেড কমা গিভ ড্যাশ রমা পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ওকে সো ইজি না ড্যাশ পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি সো ড্যাশ ওয়ান রাইট ইন ইনভার্টেড কমা পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি নাও স্টার্ট কর্মকারক কর্মকারক মিস কর্ম মিস অবজেক্ট হোয়েন উই আর আস্কিং কোশ্চেন বাই আস্কিং টু হোম টু হোয়াট অর উইদাউট মিন্স বিনা মানে ছাড়া আর কি কোনো কিছু ছাড়া বিনা অর উইদাউট ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ সরস্বতী ইজ বিনা দিস বিনা মিন্স অ্যাকচুয়ালি ছাড়া কোনো কিছু ছাড়া দ্যাট ওয়ান কোনো কিছু বিনা সো দ্যাট মিন্স উইদাউট ওকে সো টু হোম টু হোয়াট উইদাউট If we are asking question by this, that's why I give question mark. If we are asking question by this, to whom, to what, then which answer is coming? That is called object. Okay. I am giving my book to you. To whom? To you. So, to you, that one is object. Okay. Girl is eating a... apple girl is it one girl is eating a apple so what she is eating definitely apple so that one is the object that means karma so that one that means only karma karak so now see the rules dash pade karma karake ditiya vibhakti here also same dash pade kartikarake prathama vibhakti dash pade karma karake ditiya vibhakti and please mention the inverted comma সো বানর কদলি ফলানি খাদতি কদলি ফলানি বানর ইজ সাবজেক্ট দ্যাট মিন্স কর্তৃকারক কর্তৃকারকের প্রথম বিভক্তি বাট কদলি ফলানি ইজ দ্য অবজেক্ট দ্যাট মিন্স কর্মকারক সো কদলি ফলানি পদে কর্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্তি ওকে নাও দ্য নেক্সট ওয়ান ছাত্র পুস্তকম পঠতি ছাত্র মিন্স স্টুডেন্ট ওকে দিস ইজ সাবজেক্ট হি ইজ রিডিং
सो ही इज डूइंग द वर्क, दैट्स वाई इट इज सब्जेक्ट. सो छात्र पदे कर्तिकारक के प्रथमा विभक्ति. बट वी हैव टू मेंशन कर्मकारक. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रीडिंग अ बुक, दैट्स वाई इन पुस्तकम पदे कर्मकारक के द्वितीय विभक्ति. सो पुस्तकम इज अंडरलाइन. पुस्तकम पदे कर्मकारके द्वितीय विभक्ति. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. आई गिवन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम बीना. जलं बिना जीवनम नास्ति. फॉर बीना ऑल्सो व्हाइल वी आर गेटिंग बीना, दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कर्मकारक. दैट्स वाई जलं, वी हैव टू कीप इट हियर विथ अंडरलाइन, गिव इन्वर्टेड कॉमा. जलं पदे कर्मकारके द्वितीय विभक्ति. What is the rules? Dash पदे कर्मकारके द्वितीय विभक्ति. सी जलंग पदे कर्मकारके द्वितीय विभक्ति. Just you have to understand that underlined word, it is subject or the object. Okay? If it is karta, then subject. Okay? And if it is object, then it is कर्मकारक. I am telling you one secret thing, that is in exam time when I will give you some sentence, please translate into English, okay, not in exam paper. Side you can make a rough and you can do there, or in your mind also you can do. Translate into English, then it is easy for you. Then you can understand that this is subject or object, okay, by asking the question. So this much only your work today. Please understand about kartikarak and karmakarak nicely. Next day I will take test, okay.